दूसरा सैमुएल पहला भाग। और साउल की मौत के बाद जब दाऊद अमालिकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलाज में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैराहन चाक किए और सिर पर खाक डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो जमीन पर गिरा और सिजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं इसराइल की लश्करगाह में से बच निकला हूँ। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा, जरा मुझे बता। उसने कहा कि लोग जंग में से भाग गए और बहुत से गिरे और मर गए, और साउल और उसका बेटा यूनतन भी मर गए। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम कि साउल और उसका बेटा यूनतन मर गए? वो जवान जिसने उसको ये खबर दी कहने लगा कि मैं कोहे जलबुआ पर इत्तफाकन वारिद हुआ और क्या देखा कि साउल अपने नेजा पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालिकी हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं, और मैं उसके सिर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालिकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावन के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने के लिए क्यों ना डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नजदीक जा और उस पर हमला कर। तो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसू को जान से मारा। और दाऊद ने साउल और उसके बेटे यूनतन पर इस मर्सिया के साथ मातम किया, और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं। देखो, वो याशिर की किताब में लिखा है, ए इसराइल, तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फख्र मारा गया। हाय, जबरदस्त कैसे खेत आए! ये जात में ना बताना, अस्कलोन के कूचों में इसकी खबर ना करना, ना हो के फिलिस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो के नामख्तूनों की बेटियां फख्र करें। ए जलबुआ के पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना बारिश हो और ना हदिया की चीजों के खेत हों, क्योंकि वहाँ जबरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल की सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से, जबरदस्तों की चर्बी से यूनतन की कमान
कभी ना टली और सऊल की तलवार खाली ना लौटी। सऊल और यूनतन अपने जीते जी अजीज और दिल पसंद थे और अपनी मौत के वक्त अलग ना हुए। वो उकाबों से तेज और शेर बबरों से जोरावर थे। ऐ इसराइल की बेटियों, सऊल पर रो, जिसने तुमको नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। हाय, लड़ाई में जबरदस्त कैसे खेत आए। यूनतन तेरे ऊंचे मुकामों पर कत्ल हुआ। ऐ मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है। तू मुझको बहुत ही मरगूब था, तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। हाय, जबरदस्त कैसे खेत आए और जंग के हथियार नाबूद हो गए। दूसरा सैमुएल, दूसरा बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावन ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, किधर जाऊं? उसने फरमाया, हिब्रोन को। सो दाऊद बमा अपनी दोनों बीवियों यज्रेली आखियो नोएम और किरमली नाबाल की बीवी अबजेल के वहां गया और दाऊद अपने साथ के आदमियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वो हिब्रोन के शहरों में रहने लगे। तब दाऊद के लोग आए और वहां उन्होंने दाऊद को मसा करके यहूदा के खानदान का बादशाह बनाया और उन्होंने दाऊद को बताया कि याबेस जिल्लात के लोगों ने सऊल को दफन किया था। सो दाऊद ने याबेस जिल्लात के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक सऊल पर ये एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवि हो और तुम दलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक सऊल मर गया और दाऊद के घराने ने मसा करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। लेकिन नैयर के बेटे अबनैयर ने, जो सऊल के लश्कर का सरदार था, सऊल के बेटे अशबोसत को लेकर उसे महनायम में पहुंचाया और उसे जिल्लाद और आशरियों और यज्रेल और इफ्राइम और बिन्यामीन और तमाम इसराइल का बादशाह बनाया। और सऊल के बेटे अशबोसत की उम्र 40 बरस की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की और दाऊद हिब्रोन में बनी यहूदा पर 7 बरस 6 महीने तक हुक्मरान रहा। फिर नैयर का बेटा अबनैयर और सऊल के बेटे अशबोसत के खादिम महनाइम से जबून में आए और जोरबिया का बेटा युआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जेबोन के तालाब पर उनसे मिले और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की उस तरफ। तब अबनैयर ने युआब से कहा, जरा ये जवान उठकर हमारे सामने खेले। युआब ने कहा, उठें। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी सऊल के बेटे इशबोसत और बिन्यामीन की तरफ से 12 जवान।
और दाऊद के खादिमों में से 12 आदमी, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में फोंक दी, सो वो एक ही साथ गिरे। इसलिए वो जगह हलकत हसूरियम कहलाती है। वो जेबोन में है, और उस रोज बड़ी सख्त लड़ाई हुई, और अब्नियर और इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई, और जोरबिया के तीनों बेटे योआब और अभिषे और आसेल वहाँ मौजूद थे, और आसेल जंगली हिरन की मानिंद सुबकपा था, और आसेल ने अब्नियर का पीछा किया, और अब्नियर का पीछा करते वक्त वो दाहने या बाएं हाथ ना मुड़ा। तब अब्नियर ने अपने पीछे नजर करके उससे कहा, ए आसेल, क्या तू है? उसने कहा, हाँ। अब्नियर ने उससे कहा, अपनी दाहनी या बाएं सिमत को मुड़ जा, और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर आसेल उसका पीछा करने से बाज ना आया। अब्नियर ने आसेल से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रह, मैं कैसे तुझे जमीन पर मार कर डाल दूं? क्योंकि फिर मैं तेरे भाई योआब को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस पर भी उसने मुड़ने से इनकार किया। तब अब्नियर ने अपने भाले के पिछले सिरे से उसके पेट पर ऐसा मारा कि वो पार हो गया, सो वो वहां गिरा और उसी जगह मर गया। और ऐसा हुआ कि जितने उस जगह आए जहां आसेल गिरकर मरा था, वो वहीं खड़े रह गए, लेकिन योआब और अभिषे अब्नियर का पीछा करते रहे। और जब वो कोहे उमा तक जो दश्ते जबून के रास्ता में जेहा के मुकाबिल है पहुंचे, तो सूरज डूब गया, और बनी बिन्यामीन अब्नियर के पीछे इकट्ठे हुए और एक दस्ता बन गए, और एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नियर ने योआब को पुकार कर कहा, क्या तलवार अब तक हलाक करती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका अंजाम कड़वाहट होगा? तू कब लोगों को हुक्म देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौट जाएं? योआब ने कहा, जिंदा खुदा की कसम, अगर तू ना बोला होता तो लोग सुबह को जरूर चले जाते और अपने भाइयों का पीछा ना करते। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए, और इसराइल का पीछा फिर ना किया और ना फिर लड़े, और अब्नियर और उसके लोग उस सारी रात मैदान में चले और यर्दन के पार हुए, और सब बेत्रून से गुजरकर महनाइम में आ पहुंचे। और योआब अब्नियर का पीछा छोड़कर लौटा, और उसने जो सब आदमियों को जमा किया तो दाऊद के मुलाजमों में से 19 आदमी और आसेल कम निकले। पर दाऊद के मुलाजमों ने बिन्यामीन में से और अब्नियर के लोगों में से इतने मार दिए कि 360 आदमी मर गए, और उन्होंने आसेल को उठाकर उसे उसके बाप की कब्र में जो बैतल में थी दफन किया। और योआब और उसके लोग सारी रात चले, और हेब्रोन पहुंचकर उनको दिन निकला। दूसरा सैमुएल 3 बाब। अलगर्ज सऊल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही, और दाऊद रोज बरोज जोरावर होता गया, और सऊल का खानदान कमजोर होता गया, और हेब्रोन में दाऊद के यहाँ बेटे पैदा हुए। अमनून उसका पहलौठा था, जो यज्रेली अखीनोअम के बतन से था, और दूसरा कलियाब था,
जो किरमेली नाबाल की बीवी अबीजिन से हुआ। तीसरा अबीसलूम था, जो हिब्सूर के बादशाह तिलमी की बेटी मुआका से हुआ। चौथा अदनोया था, जो हजीत का बेटा था। और पांचवा सफ्तिया, जो अब्त्याल का बेटा था। और छठा इतराम था, जो दाऊद की बीवी इजला से हुआ। ये दाऊद के हां हिब्रोन में पैदा हुए। और जब सऊल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी, तो अबनेर ने सऊल के घराने में खूब जोर पैदा कर लिया। और सऊल की एक हरम थी जिसका नाम रिस्फा था, वो अया की बेटी थी। सो अशबसूत ने अबनेर से कहा, तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अबनेर अशबसूत की इन बातों से बहुत गुस्सा होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तेरे बाप सऊल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा हूँ, और तुझे दाऊद के हवाला नहीं किया, तू भी तू आज इस औरत के साथ मुझ पर ऐब लगाता है। खुदा अबनेर से वैसा ही बल्कि उससे ज्यादा करे अगर मैं दाऊद से वही सलूक ना करूं जिसकी कसम खुदा ने उसके साथ खाई थी, ताकि सल्तनत को सऊल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इसराइल और यहूदा दोनों पर दान से बेरसेबा तक कायम करूं। और वो अबनेर को एक लफ्ज जवाब ना दे सका, इसलिए कि उससे डरता था। और अबनेर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है, तू मेरे साथ अपना अहद बांध और देख मेरा हाथ तेरे साथ होगा, ताकि सारे इसराइल को तेरी तरफ मायल करूं। उसने कहा, अच्छा मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, पर मैं तुझसे एक बात चाहता हूँ, और वो ये है कि जब तू मुझसे मिलने को आए, तो जब तक सऊल की बेटी मेकल को पहले अपने साथ ना लाए, तो मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। और दाऊद ने सऊल के बेटे इश्बोसूत को कासिदों की मारफत कहला भेजा कि मेरी बीवी मेकल को, जिसको मैंने फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां देकर ब्याहा था, मेरे हवाले कर। सो अशबसूत ने लोग भेजकर उसे उसके शोहर लैस के बेटे फलेतियल से छीन लिया, और उसका शोहर उसके साथ चला और उसके पीछे पीछे नहरोइम तक रोता हुआ चला आया। तब अबनेर ने उससे कहा, लौट जा। सो वो लौट गया। और अबनेर ने इसराइली बुजुर्गों के पास खबर भेजी कि गुजरे दिनों में तुम ये चाहते थे कि दाऊद तुम पर बादशाह हो, बस अब ऐसा कर लो, क्योंकि खुदावन ने दाऊद के हक में फरमाया है कि मैं अपने बंदा दाऊद की मार्फत अपनी कौम इसराइल को फिलिस्तियों और उनके सब दुश्मनों के हाथ से रिहाई दूंगा। और अबनेर ने बनी बिन्यामीन से भी बातें की, और अबनेर चला कि जो कुछ इसराइलियों और बिन्यामीन के सारे घराने को अच्छा लगा, उसे हिब्रोन में दाऊद को कह सुनाए। सो अबनेर हिब्रोन में दाऊद के पास आया, और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने अबनेर और उन लोगों की जो उसके साथ थे ज़ियाफ़त की, और अबनेर ने दाऊद से कहा, अब मैं उठकर जाऊंगा और सारे इसराइल को
अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा ताकि वो तुझसे अहद बांधे और तू जिस जिस पर तेरा जी चाहे सल्तनत करे। सो दाऊद ने अब्नेर को रुखसत किया और वो सलामत चला गया। दाऊद के लोग और योआब किसी धावे से लूट का बहुत सा माल अपने साथ लेकर आए, लेकिन अब्नेर हब्रून में दाऊद के पास नहीं था, क्योंकि उसने उसे रुखसत कर दिया था और वो सलामत चला गया था। और जब योआब और लश्कर के सब लोग जो उसके साथ थे आए, तो उन्होंने योआब को बताया कि नैयर का बेटा अब्नेर बादशाह के पास आया था और उसने उसे रुखसत कर दिया और वो सलामत चला गया। तब योआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, ये तूने क्या किया? देख, अब्नेर तेरे पास आया था, सो तूने उसे क्यों रुखसत कर दिया कि वो निकल गया? तू नैयर के बेटे अब्नेर को जानता है कि वो तुझको धोखा देने और तेरे आने जाने और तेरे सारे काम का भेद लेने आया था। जब योआब दाऊद के पास से बाहर निकला, तो उसने अब्नेर के पीछे कासद भेजे और वो उसको सीरा के कुएं से लौटा ले आए, पर ये दाऊद को मालूम नहीं था। जब अब्नेर हेब्रून में लौट आया, तो योआब उसे अलग फाटक के अंदर ले गया ताकि उसके साथ चुपके चुपके बात करे और वहां अपने भाई इसाहील के खून के बदला में उसके पेट में ऐसा मारा कि वो मर गया। बाद में जब दाऊद ने ये सुना, तो कहा कि मैं और मेरी सल्तनत दोनों हमेशा तक खुदावंद के आगे नैयर के बेटे अब नैयर के खून की तरफ से बेगुनाह है। वो योआब और उसके बाप के सारे घराने के सिर लगे और योआब के घराने में कोई ना कोई ऐसा होता रहे जिसे जरियान हो या जो कूड़ी हो या बेसाखी पर चले या तलवार से मरे या टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो। सो योआब और उसके भाई अबीशे ने अब्नेर को मार दिया, इसलिए कि उसने जबून में उनके भाई इसाहील को लड़ाई में कत्ल किया था। और दाऊद ने योआब से और उन सब लोगों से जो उसके साथ थे कहा कि अपने कपड़े फाड़ो और टाट पहनो और अब्नेर के आगे आगे मातम करो। और दाऊद बादशाह आप जनाजा के पीछे पीछे चला और उन्होंने अब्नेर को हेब्रोन में दफन किया और बादशाह अब्नेर की कब्र पर चिल्ला चिल्ला कर रोया और सब लोग भी रोए। और बादशाह ने अब्नेर पर ये मरसिया कहा, क्या अब्नेर को ऐसा ही मरना था जैसे अहमक मरता है? तेरे हाथ बंधे ना थे और ना तेरे पांव बेड़ियों में थे, जैसे कोई बदकारों के हाथ से मरता है वैसे ही तू मारा गया। तब उस पर सब लोग दोबारा रोए और सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, लेकिन दाऊद ने कसम खाकर कहा, अगर मैं आफताब के गरूब होने से पेशतर रोटी या और कुछ चखूं, तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। और सब लोगों ने इस पर गौर किया और इससे खुश हुए, क्योंकि जो कुछ बादशाह करता था सब लोग उससे खुश होते थे। सो सब लोगों ने और तमाम इसराइल ने उसी दिन जान लिया कि नैयर के बेटे अब्नेर का कत्ल होना बादशाह की तरफ से ना था। और बादशाह ने अपने मुलाजिमों से कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि आज के दिन एक सरदार बल्कि एक बहुत बड़ा आदमी इसराइल में मरा है? और अगरचे
मैं ममसू वाथिया हूँ, तो भी आज के दिन आजीज हूँ। और ये लोग बनी जोरोया मुझसे जबरदस्त हैं। खुदावंद बदकार को उसकी बदी के मुआफिक बदला दे। दूसरा सैमुएल चौथा बाब। जब साउल के बेटे अशबोशेत ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मर गया, तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इसराइली घबरा गए। और साउल के बेटे इशबोशेत के दो आदमी थे जो फौजों के सरदार थे, एक का नाम बाआना और दूसरे का रेकाब था। ये दोनों बनी बिन्यामीन की नस्ल के बेरोती रमून के बेटे थे, क्योंकि बेरोत भी बनी बिन्यामीन का गिना जाता है। और बेरोती जैतीन को भाग गए थे, चुनाचे आज के दिन तक वो वहीं रहते हैं। और साउल के बेटे यूनितन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और यूनितन की खबर यजरेल से पहुंची, तो वो 5 बरस का था। सो उसकी दाइया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की, तो ऐसा हुआ कि गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मिफिबोस्त था। और बेरोती रमून के बेटे रेकाब और बाना चले और कड़ी धूप के वक्त अशबोशेत के घर आए, जब वो दोपहर को आराम कर रहा था। सो वहाँ घर के अंदर गेहूं लेने के बहाने से घुसे और उसके पेट में मारा, और रेकाब और उसका भाई बाना बाग निकले। जब वो घर में घुसे, तो वो अपनी खाबगाह में अपने बिस्तर पर सोता था। सो उन्होंने उसे मारा और कत्ल किया और उसका सिर काट दिया, और उसका सिर लेकर तमाम रात मैदान की राह चले। और अशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले आए और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन साउल, जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे अशबोशेत का सर है, जो खुदावन ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतकाम साउल और उसकी नस्ल से लिया। तब दाऊद ने रेकाब और उसके भाई बाआना को, जो बेरोती रमोन के बेटे थे, जवाब दिया कि खुदावन की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर मुसीबत से रिहाई दी है, जब एक शख्स ने मुझसे कहा कि देख साउल मर गया और समझा कि खुशखबरी देता है, तो मैंने उसे पकड़ा और सिकलाज में उसे कत्ल किया, यही जजा मैंने उसे उसकी कब्र के बदले दी। बस जब शरीरों ने एक रास्तकार इंसान को उसी के घर में उसके बिस्तर पर कत्ल किया है, तो क्या मैं अब उसके खून का बदला तुमसे जरूर ही ना लूं और तुमको जमीन पर से नाबूद ना कर डालूं? तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया और उन्होंने उनको कत्ल किया और उनके हाथ और पांव काट डाले और उनको हेब्रोन में तालाब के पास टांग दिया, और इशबोशेत के सिर को लेकर उन्होंने हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में दफन किया। दूसरा सैमुएल पांचवां बाब। तब इसराइल के सब कबीले हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। और गुजरे जमाना में जब साउल हमारा बादशाह था, तो तू ही इसराइलियों को ले जाया और ले आया करता था, और खुदावन ने तुझसे कहा कि तू मेरे इसराइली लोगों की गलाबानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा।
वर्ष इसराइल के सब बुजुर्ग हेब्रोन में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने हेब्रोन में उनके साथ खुदावन के हजूर अहद बांधा और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हेब्रोन में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए, यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयोन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहाँ हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिलों से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया और दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सौर के बादशाह हरियाम ने ईलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा। और सौर के बादशाह हरियाम ने ईलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावन ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर कयाम बख्शा और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज किया है। और हेब्रोन से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख ली और बीवियां की और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम ये हैं, समुआ और सोबाब और नातिन और सुलेमान और इबहार और अलयसु और नफिज और यफी और अलसमा और अलदिया और अलफिलात। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए और दाऊद को खबर हुई, सो वो किला में चला गया। और फिलिस्ती आकर रफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावन से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावन ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजयम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावन ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूट कर बह निकलता है, इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजयम रखा। और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था, सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए। और फिलिस्ती फिर चढ़ आए और रफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावन से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की फुंकियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावन तेरे आगे आगे निकल चुका होगा।
ताकि फिलिस्तीनियों के लश्कर को मारे, और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया और फिलिस्तीनियों को जिबा से जिजर तक मारता गया। दूसरा सैमुएल छठा बाब। और दाऊद ने फिर इसराइलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए जो उस नाम का यानी रब्बल अफवाज के नाम का कहलाता है, जो करूबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदावन के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे और अखियु हांकने लगे, और वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए, और अखियु संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सरोवर की लकड़ी के सब तरह के साज और सतार, बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदावंद के आगे आगे बजाते चले। और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उजा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावन का गुस्सा उजा पर भड़का और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से के खुदावंद उजा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम परजे उजा रखा जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे हाँ क्यों कराए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने हाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाति ओबेद अदोम के घर ले गया, और खुदावंद का संदूक जाति ओबेद अदोम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबेद अदोम को और उसके सारे घराने को बरकत दी, और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने ओबेद अदोम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदोम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावन के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा जिबा किया, और दाऊद खुदावन के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद केतान का अफूद पहने था। सो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावन के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मेकल ने खिड़की से निगाह की, और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खेमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा। और दाऊद ने सोख्तरी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाई। और जब दाऊद सोख्तरी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ा चुका तो उसने रब्बल अफवाज के नाम से लोगों को बरकत दी, और उसने सब लोगों यानी इसराइल के सारे अंगुआ के मर्दों
और औरतों दोनों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश की एक एक टिकिया बांटी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे और साउल की बेटी मेकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मेकल से कहा, ये तो खुदावंद के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि मुझे खुदावंद की कौम इसराइल का पेशवा बनाए, सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा और अपनी ही नजर में नीच होऊंगा। और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वो ही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मेकल मरते दम तक बे औलाद ही रही। दूसरा सैमुएल सातवां बाब। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावन ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातिन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदावन का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातिन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं सब बनी इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इसराइली कबीला से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इसराइल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो, और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा, और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह मुकरर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं, और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर काजी हूँ। और मैं ऐसा करूँगा कि तुझको तेरी सब दुश्मनों से आराम मिले। मां सवा इसके खुदावन तुझको बताता है कि खुदावन तेरे घर को बनाए रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्फ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा, वो ही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा, और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनियादम के ताजियानों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी
जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया, और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातिन ने दाऊद से कहा। तब बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ए मालिक खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया? तो भी ए मेरे मालिक खुदावंद, ये तेरी नजर में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी ए मेरे मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि ए मेरे मालिक खुदावंद, तू अपने बंदा को जानता है। तूने अपने कलाम की खातिर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए, ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। सो तू ए खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है उसके मुताबिक कोई तेरी मानिंद नहीं और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और दुनिया में वो कौन सी एक कौम है जो तेरे लोगों यानी इसराइल की मानिंद है, जिसे खुदा ने जाकर अपनी कौम बनाने को छुड़ाया ताकि वो अपना नाम करे और तुम्हारी खातिर बड़े बड़े काम और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के आगे, जिसे तूने मिस्र की कौमों से और उनके देवताओं से रिहाई बख्शी, हौलनाक काम करे। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी इसराइल को मुकरर किया, ताकि वो हमेशा के लिए तेरी कौम ठहरे, और तू आप ए खुदावंद उनका खुदा हो। और अब तू ए खुदावंद खुदा, उस बात को जो तूने अपने बंदा और उसके घराने के हक में फरमाई है सदा के लिए कायम कर दे, और जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर, और सदा ये कह कह कर तेरे नाम की बड़ाई की जाए कि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा है, और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम किया जाएगा, क्योंकि तूने ऐसे रब्बुल अफवाज इसराइल के खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा। इसलिए तेरे बंदा के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ए मालिक खुदावंद, तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं, और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है, सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना, मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पैदार रहे कि तू ही ने ए मेरे मालिक खुदावंद ये कहा है, और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। दूसरा सैमुएल आठवां बाब। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और दाऊद ने दारुल हुकूमत के एनान फिलिस्तियों के हाथ से छीन ली, और उसने मुआब को मारा और उनको जमीन पर लेटाकर रस्सी से नापा। सो उसने कत्ल करने के लिए दो रस्सियों से नापा और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। यूं मुआबी दाऊद के खादम बनकर हदिये लाने लगे, और दाऊद ने जुआबा के बादशाह रोहोब के बेटे हदू अजर को भी, जब वो अपनी दरियाए फरात पर की सल्तनत पर फिर कब्जा करने को जा रहा था, मार लिया। और दाऊद ने उसके 1,700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए, और दाऊद ने रथों के सब घोड़ों की खोंचियां काटी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के आरामी जुआबा के बादशाह हदद अजर की कुमक को आए, तो दाऊद ने आरामियों के
22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाई, सो आरामी भी दाऊद के खादिम बनकर हदीये लाने लगे। और खुदावंद ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने हदूद अजर के मुलाजिमों की सोने की ढालें छीन ली और उनको यरूशलेम में ले आया। और दाऊद बादशाह बता और बेरोती से, जो हदूद अजर के शहर थे, बहुत सा पीतल ले आया। और जब हमात के बादशाह तोही ने सुना कि दाऊद ने हदद अजर का सारा लश्कर मार लिया, तो तोही ने अपने बेटे योराम को दाऊद बादशाह के पास भेजा कि उसे सलाम कहे और मुबारकबाद दे, इसलिए कि उसने हदद अजर से जंग करके उसे मार लिया, क्योंकि हदद अजर तोही से लड़ा करता था। और योराम चांदी और सोने और पीतल के जरूफ अपने साथ लाया और दाऊद बादशाह ने उनको खुदावन के लिए मखसूस किया। ऐसे ही उसने उन सब कौमों के सोने चांदी को मखसूस किया जिनको उसने मगलूब किया था, यानी अरामियों और मुआबियों और बनी अमून और फलिस्तियों और अमालीकियों के सोने चांदी और जुआबा के बादशाह रहोब के बेटे हदूद अजर की लूट को। और दाऊद का बड़ा नाम हुआ जब वो नमक की वादी में अरामियों के 18,000 आदमी मार कर लौटा और उसने अदोम में चौकियां बिठाई, बल्कि सारे अदोम में चौकियां बिठाई और सब अदोमी दाऊद के खादिम बने और खुदावन ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने कुल इसराइल पर सल्तनत की और दाऊद अपनी सब रैयत के साथ अदलो इंसाफ करता था। और जोराया का बेटा युआब लश्कर का सरदार था और अखिलोद का बेटा यहूसफ्त मुअर्रख था और अखीतोब का बेटा सदूक और अबियातिर का बेटा अखीमलिक काहिन थे और शराया मुंशी था और यदुआ का बेटा बनाया करेतियों और फलिस्तियों का सरदार था और दाऊद के बेटे काहिन थे। दूसरा सैमुएल नवा बाब। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं योनातन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादिम बनाम ज़ीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू ज़ीबा है? उसने कहा, हाँ तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? ज़ीबा ने बादशाह से कहा, योनातन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लूद बार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूद बार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे योनातन का बेटा मेफीबोस्त दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मेफीबोस्त? उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप योनातन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज
जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। तब बादशाह ने सऊल के खादिम ज़ैबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो सऊल और उसके सारे घराने का था तेरी आका के बेटे को बख्श दिया, सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मफीबोस्त जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा, और ज़ैबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब ज़ैबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया है तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मफीबोस्त के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। और मफीबोस्त का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था, और जितने ज़ैबा के घर में रहते थे वो सब मफीबोस्त के खादिम थे। सो मफीबोस्त यरूशलेम में रहने लगा क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था, और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। दूसरा सैमुएल 10वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनियामून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा, जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मारिफत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनियामून की सरजमीन में आए, और बनियामून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादिम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर और इसको गारित करे? तब हनून ने दाऊद के खादिमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सोरेन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी नहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना भरे यरहू में रहो, उसके बाद चले आना। जब बनियामून ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए, तो बनियामून ने लोग भेजे और बैत रहोब के अरामियों और ज़ैबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और मैका के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तौब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर युआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनियामून निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी, और ज़ैबा और रहोब के अरामी और तौब और माका के लोग मैदान में अलग थे। जब युआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंधी है, तो उसने बनी इसराइल के खास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबले उनकी सफ बांधी, और बाकी लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया, और उसने बनी अमोन के मुकाबले सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगे तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अमोन तुझ पर गालिब होने लगे तो मैं आकर तेरी कुमक करूंगा। सो खूब हौसला रख
और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें और खुदावंद जो बेहतर जाने सो करे। पस युआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अमून ने देखा कि अरामी भाग गए तो वो भी अभिषेक के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब युआब बने अमून के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इसराइलियों से शिकस्त खाई तो वो सब जमा हुए और हदर अजर ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फरात के पार थे ले आया और वो हलाम में आए और हजर अजर की फौज का सिपा सालार सुबक उनका सरदार था और दाऊद को खबर मिली। उसने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यर्दन के पार होकर हलाम में आया और अरामियों ने दाऊद के मुकाबले साफराई की और उससे लड़े और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले और उनकी फौज के सरदार सुबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने जो हदर अजर के खादिम थे देखा कि वो इसराइलियों से हार गए तो उन्होंने इसराइलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनियामून की फिर कुमक करने से डरे। दूसरा सैमुएल 11वां बाब। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने युआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इसराइलियों को भेजा और उन्होंने बनियामून को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो अलाम की बेटी बैत सेबा नहीं जो हती औरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूँ। और दाऊद ने युआब को कहला भेजा कि हती ओरिया को मेरे पास भेज दे। सो युआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ओरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि युआब कैसा है और लोगों का क्या ख्याल है और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धो। और ओरिया बादशाह के महल से निकला और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक कवान भेजा गया। पर ओरिया बादशाह के घर के आस्ताना पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया और अपने घर न गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ओरिया अपने घर नहीं गया तो दाऊद ने ओरिया से कहा, क्या तू सफर से नहीं आया? बस तू अपने घर क्यों ना गया? ओरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इसराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा मालिक युआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी
फिर दाऊद ने उरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा, और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया, और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया, और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे उरिया के हाथ भेजा, और उसने खत में ये लिखा कि उरिया को घुमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए और जानबहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहिजा कर लिया तो उसने उरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं, और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादिमों में से थोड़े से लोग काम आए और हाथी उरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया, और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तू बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके, तब अगर ऐसा हो कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो तुझसे कहने लगे कि तुम लड़ने को शहर के ऐसे नजदीक क्यों चले गए, क्या तुम नहीं जानते थे कि वो दीवार पर से तीर मारेंगे? यरूबस्त के बेटे अबीमलक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का पाट दीवार पर से उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका कि वो तैबस में मर गया? सो तुम शहर की दीवार के नजदीक क्यों गए? तो फिर तू कहना कि तेरा खादिम हाथी उरिया भी मर गया है। सो वो कासिद चला और आकर जिस काम के लिए योआब ने उसे भेजा था वो सब दाऊद को बताया, और उस कासिद ने दाऊद से कहा कि वो लोग हम पर गालिब हुए और निकलकर मैदान में हमारे पास आ गए, फिर हम उनको रेगते हुए फाटक के मुदक्कल तक चले गए। तब तीर अंदाजों ने दीवार पर से तेरे खादिमों पर तीर छोड़े, सो बादशाह के थोड़े से खादिम भी मरे और तेरा खादिम हाथी उरिया भी मर गया। तब दाऊद ने कासिद से कहा कि तू योआब से यूं कहना कि तुझे इस बात से ना खुशी ना हो, इसलिए कि तलवार जैसा एक को उड़ाती है वैसा ही दूसरे को, तो तू शहर से और सख्त जंग करके उसे ढा दे, और तू उसे दम दिलासा देना। जब उरिया की बीवी ने सुना कि उसका शोहर उरिया मर गया तो वो अपने शोहर के लिए मातम करने लगी, और जब शोक के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवा कर उसको अपने महल में रख लिया, और वो उसकी बीवी हो गई, और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावन नाराज हुआ। दूसरा सैमुएल 12 बाब। और खुदावन ने नातिन को दाऊद के पास भेजा, उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पिठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ भरी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसके प्याला से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के हाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके हाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली, और उस शख्स के लिए
जो उसके हाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया, और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने हती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हेती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेंगे, क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया पर मैं सारे इसराइल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातिन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातिन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं, तो भी क्योंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातिन अपने घर चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो ओरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदावंद से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया और सातवें दिन वो लड़का मर गया। और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उसने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी, बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिज्दा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे, पर अब वो मर गया
पास मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बैतसबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोबत की और उसके एक बेटा हुआ और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा और वो खुदावंद का प्यारा हुआ और उसने नातिन नबी की मारिफत पैगाम भेजा। सो उसने उसका नाम खुदावंद की खातिर यदि यदा रखा और युआब बनी अमून के रब्बा से लड़ा और उसने दारुल सल्तनत को ले लिया और युआब ने कासिदों की मारिफत दाऊद को कहला भेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और मैंने पानियों के शहर को ले लिया। बस अब तू बाकी लोगों को जमा कर और इस शहर के मुकाबिल खैमाजन हो और इस पर कब्जा कर ले, ताना हो कि मैं इस शहर को सर करूं और वो मेरे नाम से कहलाए। तब दाऊद ने सब लोगों को जमा किया और रब्बा को गया और उससे लड़ा और उसे ले लिया और उसने उनके बादशाह का ताज उसके सिर पर से उतार लिया। उसका वजन सोने का एक कंतार था और उसमें जवाहर जड़े हुए थे। सो वो दाऊद के सिर पर रखा गया और वो उस शहर से लूट का बहुत सा माल निकाल लाया और उसने उन लोगों को जो उसमें थे बाहर निकाल कर उनको आरों और लोहे के हींगों और लोहे के कुल्हाड़ों के नीचे कर दिया और उनको ईंटों के पजावे में से चलवाया और उसने बनियामून के सब शहरों से ऐसा ही किया। फिर दाऊद और सब लोग यरूशलेम को लौट आए। दूसरा सैमुएल 13 बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलूम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुड़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कमवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ और दाऊद के भाई सम्मा का बेटा यूनदब अमनून का दोस्त था और यूनदब बड़ा चलाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, ए बादशाह जादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलूम की बहन तिमर पर आशिक हूँ। यूनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मेरे सामने दो पूरियां बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो दाऊद ने तिमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। सो तिमर अपने भाई अमनून के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंधेल दिया और उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तिमर से कहा कि खाना कोठड़ी के अंदर ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं।
सो तिमर वो पूरियां जो उसने पकाई थी उठाकर उनको कोठरी में अपने भाई अमनून के पास लाई, और जब वो उनको उसके नजदीक ले गई कि वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए मेरी बहन, मुझसे वसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इसराइलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रुसवाई कहाँ लिए फिरूंगी, और तू भी इसराइलियों में अहमकों में से एक की मानिंद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूंकि वो उससे जोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोबत की। फिर अमनून को उससे बड़ी सख्त नफरत हो गई, क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बाए इश्क से कहीं भरकर थी। सो अमनून ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म कि तू मुझे निकालता है उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक ना सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाजा की चिटकनी लगा दे। और वो रंग बिरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कमवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चिटकनी लगा दी, और तिमर ने अपने सिर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सिर पर हाथ धरकर रोती हुई चली। उसके भाई अबी सलूम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? खैर ए मेरी बहन, अब चुपकी हो रहे, क्योंकि वो तेरा भाई है, और इस बात का गम न कर। सो तिमर अपने भाई अबी सलूम के घर में बेकस पड़ी रही। और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो नहायत गुस्सा हुआ, और अबी सलूम ने अपने भाई अमनून से कुछ बुरा भला ना कहा, क्योंकि अबी सलूम को अमनून से नफरत थी, इसलिए कि उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों के बाल कुतरने वाले अबी सलूम के हां बाल हसूर में थे, जो इफ्राइम के पास है, और अबी सलूम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। सो अबी सलूम बादशाह के पास आकर कहने लगा, तेरे खादिम के हां भेड़ों के बाल कुतरने वाले आए हैं। सो मैं मिन्नत करता हूं कि बादशाह ममा अपने मुलाजिमों के अपने खादिम के साथ चले। तब बादशाह ने अबी सलूम से कहा, नहीं मेरे बेटे, हम सब के सब ना चलें, ताना हो कि तुझ पर हम बोझ हो जाएं। और वो उससे वाजिद हुआ तो भी वो ना गया, पर उसे दुआ दी। तब अबी सलूम ने कहा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे भाई अमनून को तू हमारे साथ जाने दे। बादशाह ने उससे कहा, वो तेरे साथ क्यों जाए? लेकिन अबी सलूम ऐसा वाजिद हुआ कि उसने अमनून और सब बादशाह जादों को उसके साथ जाने दिया, और अबी सलूम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि देखो, जब अमनून का दिल मैं से सरूर में हो और मैं तुमको कहूँ कि अमनून को मारो, तो तुम उसे मार डालना। खौफ ना करना, क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया? दलेर और बहादुर बने रहो। चुनाचे अबी सलूम के नौकरों ने अमनून से वैसा ही किया जैसा अबी सलूम ने हुक्म दिया था।
तब सब बादशाहजादे उठे और हर एक अपने खच्चर पर चढ़कर भागा। और वो हनूज रास्ता ही में थे कि दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि अभी सलूम ने सब बादशाहजादों को कत्ल कर डाला है और उनमें से एक भी बाकी नहीं बचा। तब बादशाह ने उठकर अपने कपड़े फाड़े और जमीन पर गिर पड़ा और उसके सब मुलाजिम कपड़े फाड़े हुए उसके हजूर खड़े रहे। तब दाऊद के भाई सम्मा का बेटा युनदब कहने लगा कि मेरा मालिक ये ख्याल ना करे कि उन्होंने सब जवानों को जो बादशाह जादे हैं मार डाला है, इसलिए कि सिर्फ अमनून ही मरा है, क्योंकि अभी सलूम के इंतजाम से उसी दिन से ये बात ठान ली गई थी जब उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। सो मेरा मालिक बादशाह ऐसा ख्याल करके कि सब बादशाह जादे मर गए इस बात का गम ना करे, क्योंकि सिर्फ अमनून ही मरा है। और अभी सलूम भाग गया और उस जवान ने जो निगहबान था अपनी आंखें उठाकर निगाह की और क्या देखता है कि बहुत से लोग उसके पीछे की तरफ से पहाड़ के दामन के रास्ता से चले आ रहे हैं। तब युनदब ने बादशाह से कहा कि देख बादशाह जादे आ गए, जैसा तेरे खादिम ने कहा वैसा ही है। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि बादशाह जादे आ पहुंचे और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और बादशाह और उसके सब खादिम भी जार जार रोए। लेकिन अभी सलूम भागकर जसूर के बादशाह अमीहूद के बेटे तिलमी के पास चला गया और दाऊद हर रोज अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। सो अभी सलूम भागकर जसूर को गया और 3 बरस तक वहीं रहा और दाऊद बादशाह के दिल में अभी सलूम के पास जाने की बड़ी आरजू थी, लेकिन अमनून की तरफ से उसे तसल्ली हो गई थी इसलिए कि वो मर चुका था। दूसरा सैमुएल 14वां बाब। और जरविया के बेटे युआब ने तार लिया कि बादशाह का दिल अभी सलूम की तरफ लगा है। सो युआब ने तकुआ को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि जरा सूग वाली का सा भेज करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दा के लिए मातम कर रही हो, और बादशाह के पास जाकर उससे इस तरह कहना। फिर युआब ने उसे जो बातें कहनी थी सिखाई और जब तुकुआ की वो औरत बादशाह से बातें करने लगी तो जमीन पर औंधे मुंह होकर गिरी और सिजदा करके कहा, ऐ बादशाह तेरी दुहाई है। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मैं सचमुच एक बेवा हूँ और मेरा शोहर मर गया है। तेरी लौंडी के 2 बेटे थे, वो दोनों मैदान पर आपस में मारपीट करने लगे और कोई ना था जो उनको छुड़ा देता। सो एक ने दूसरे को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार डाला और अब देख कि सब कुंबे का कुंबा तेरी लौंडी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि उसको जिसने अपने भाई को मारा हमारे हवाला कर, ताकि हम उसको उसके भाई की जान के बदले जिसे उसने मार डाला कत्ल करें और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी रहा है बुझा देंगे और मेरे शोहर का ना तो नाम ना बकिया रोए जमीन पर छोड़ेंगे। बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर जा और मैं तेरी बाबत हुक्म करूंगा।
तुकवा की उस औरत ने बादशाह से कहा, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, सारा गुनाह मुझ पर और मेरे बाप के घराने पर हो और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तब बादशाह ने फरमाया, जो कोई तुझसे कुछ कहे उसे मेरे पास ले आना और वो फिर तुझको छूने नहीं पाएगा। तब उसने कहा कि मैं अर्ज करती हूँ कि बादशाह, खुदावंद अपने खुदा को याद करे कि खून का इंतकाम लेने वाला और हलाक ना करने पाए, ताना हो कि वो मेरे बेटे को हलाक कर दे। उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरने पाएगा। तब उस औरत ने कहा, जरा मेरे मालिक बादशाह से तेरी लौंडी एक बात कहे। उसने जवाब दिया, कह। तब उस औरत ने कहा कि तूने खुदा के लोगों के खिलाफ ऐसी तदबीर क्यों निकाली है? क्योंकि बादशाह इस बात के कहने से मुजरिम सा ठहरता है, इसलिए कि बादशाह अपने जलावतन को फिर घर लौटा कर नहीं लाता, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। और मैं जो अपने मालिक बादशाह से ये बात कहने आई हूँ, तो इसका सबब ये है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं आप बादशाह से अर्ज करूंगी, शायद बादशाह अपनी लौंडी की अर्ज पूरी करे, क्योंकि बादशाह सुनकर जरूर अपनी लौंडी को उस शख्स के हाथ से छुड़ाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को खुदा की विरासत में से नेस्त कर डालना चाहता है। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे मालिक बादशाह की बात तसल्ली बख्शो, क्योंकि मेरा मालिक बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज करने में खुदा के फरिश्ता की मानिंद है। सो खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ हो। तब बादशाह ने उस औरत से कहा, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं तू उसका जरा भी मुझसे मत छुपाना। उस औरत ने कहा, मेरा मालिक बादशाह फरमाए। बादशाह ने कहा, क्या इस सारे मामला में युआब का हाथ तेरे साथ है? उस औरत ने जवाब दिया, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कोई इन बातों से जो मेरे मालिक बादशाह ने फरमाई है दाहनी या बाईं तरफ नहीं मुड़ सकता, क्योंकि तेरे खादिम युआब ही ने मुझे हुक्म दिया और उसी ने ये सब बातें तेरी लौंडी को सिखाई। और तेरे खादिम युआब ने ये काम इसलिए किया ताकि उस मजमून के रंग ही को पलट दे। और मेरा मालिक दानिशमंद है, जिस तरह खुदा के फरिश्ता में समझ होती है कि दुनिया की सब बातों को जान ले। तब बादशाह ने युआब से कहा, देख, मैंने ये बात मान ली, सो तू जा और उस जवान अभी सलूम को फिर ले आ। तब युआब जमीन पर ऊंधा होकर गिरा और सिजदा किया और बादशाह को मुबारकबाद दी। और युआब कहने लगा, आज तेरे बंदा को यकीन हुआ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कि मुझ पर तेरे करम की नजर है, इसलिए कि बादशाह ने अपने खादिम की अर्ज पूरी की। फिर युआब उठा और जसूर को गया और अभी सलूम को यरूशलेम में ले आया। तब बादशाह ने फरमाया, वो अपने घर जाए और मेरा मुंह न देखे। सो अभी सलूम अपने घर गया और वो बादशाह का मुंह देखने ना पाया। और सारे इसराइल में कोई शख्स अभी सलूम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल ना था, क्योंकि उसके पांव के तलवे से सिर के चांद तक उसमें कोई ऐब न था।
और जब वो अपना सर मुंडवाता था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मुंडवाता था, इसलिए कि उसके बाल घने थे, सो वो उनको मुंडवाता था, तो अपने सिर के बाल वजन में शाही तोल के मुताबिक 200 मिसकाल के बराबर पाता था। और अभी सलूम से 3 बेटे पैदा हुए और एक बेटी जिसका नाम तिमर था, वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। और अभी सलूम पूरे 2 बरस यरूशलेम में रहा और बादशाह का मुंह ना देखा। सो अभी सलूम ने युआब को बुलवाया ताकि उसे बादशाह के पास भेजे, पर उसने उसके पास आने से इनकार किया और उसने दोबारा बुलवाया, लेकिन वो ना आया। इसलिए उसने अपने मुलाजिमों से कहा कि देखो, युआब का खेत मेरे खेत से लगा है और उसमें जौ है, सो जाकर उसमें आग लगा दो। और अभी सलूम के मुलाजिमों ने उस खेत में आग लगा दी। तब युआब उठा और अभी सलूम के पास उसके घर जाकर उससे कहने लगा, तेरे खादिमों ने मेरे खेत में आग क्यों लगा दी? अभी सलूम ने युआब को जवाब दिया कि देख, मैंने तुझको कहला भेजा कि यहाँ आ, ताकि मैं तुझे बादशाह के पास ये कहने को भेजूं कि मैं जसूर से क्यों यहाँ आया, मेरे लिए अब तक वहीं रहना बेहतर होता। सो अब बादशाह मुझे अपना दीदार दे, और अगर मुझ में कोई बदी हो तो वो मुझे मार डाले। तब युआब ने बादशाह के पास जाकर उसे ये पैगाम दिया, और जब उसने अभी सलूम को बुलवाया, तब वो बादशाह के पास आया और बादशाह के आगे जमीन पर सर नगून हो गया, और बादशाह ने अभी सलूम को बोसा दिया। दूसरा सैमुएल 15वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि अभी सलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए, जो उसके आगे आगे दौड़े। और अभी सलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो अभी सलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराइल के फलाने कबीला का है। फिर अभी सलूम उससे कहता, देख, तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकरर नहीं है जो तेरी सुने। और अभी सलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अभी सलूम के नजदीक आता था तो उसे सिजदा करे, तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अभी सलूम सब इसराइलियों से जो बादशाह के पास फैसला के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अभी सलूम ने इसराइल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अभी सलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हेब्रोन में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं आराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हेब्रोन को गया। और अभी सलूम ने बनी इसराइल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना कि अभी सलूम हेब्रोन में बादशाह हो गया है।
और अबीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलूम ने कुर्बानियां गुजरानते वक्त जलोनी अखीतफल को, जो दाऊद का मुशीर था, उसके शहर जलवा से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अबीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजिमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत आए और शहर को तहदेक करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार है। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थी घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले। और वो बैठे मिरहाक में ठहर गए और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब किरेती और सब फलेती और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे, बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति अति से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जलावतन भी है। सो अपनी जगह को लौट जा, तू कल ही तो आया है। सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूँ जाना है, सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा, रहमत और सच्चाई तेरे साथ हो। तब अति ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावन की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहाँ कहीं मेरा मालिक बादशाह खा मरते खा जीते होगा, वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने अति से कहा, चल पार जा और जाति अति और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहर कद्रोन के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया। और अबियातर ऊपर चढ़ गया और जब तक सब लोग शहर से निकल ना आए वहीं रहा। तब बादशाह ने सदूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा, बस अगर खुदावंद के करम की नजर मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मस्कन को मुझे फिर दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं, तो देख मैं हाजिर हूँ, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सदूक काहिन से ये भी कहा, क्या तू गैरबीन नहीं? शहर को सलामत लौट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हैं, अखीमियास जो तेरा बेटा है और यूनतन जो अबियातर का बेटा है। और देख मैं उस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूंगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकते हाल की खबर ना मिले। सो सदूक और अबियातर खुदा का संदूक यरूशलेम को वापस ले गए
और वहीं रहे। और दाऊद कोहे जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सिर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था, और वो सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सिर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे, और किसी ने दाऊद को बताया कि अखीतफल भी मुफस्सदों में शामिल और अबीसलूम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अखीतफल की सलाह को बेवकूफी से बदल दे। जब दाऊद चोटी पर पहुँचा जहाँ खुदा को सिजदा किया करते थे, तवारीकी होसी अपनी कबा फाड़े और सिर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया, और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर वार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और अबीसलूम से कहे कि ऐ बादशाह, मैं तेरा खादिम हूँगा जैसे गुजरे जमाना में तेरे बाप का खादिम रहा, वैसे ही अब तेरा खादिम हूँ, तो तू मेरी खातिर अखीतफल की मशवरत को बातिल कर देगा, और क्या वहाँ तेरे साथ सदूक और अबियातर काहे ना होंगे? सो जो कुछ तू बादशाह के घर में सुने उसे सदूक और अबियातर काहिनों को बता देना। देख, वहाँ उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं, यानी सदूक का बेटा अखीमियास और अबियातर का बेटा यूनतन। सो जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मारिफत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त हूसी शहर में आया और अबीसलूम भी यरूशलेम में पहुंच गया। दूसरा सैमुएल 16वां बाब। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मैफीबोस्त का खादिम ज़ैबा दो गधे लिए हुए उसे मिला जिन पर ज़ैन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिशते 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मैं का एक मशकीजा था। और बादशाह ने ज़ैबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़ैबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मैं इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिए। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? ज़ैबा ने बादशाह से कहा, देख, वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इसराइल का घराना मेरे बाप की मुमलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़ैबा से कहा, देख, जो कुछ मैफीबोस्त का है वो सब तेरा होगा। तब ज़ैबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। जब दाऊद बादशाह बहिरोइम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समी बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह की सब खादिमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहने और बाएं हाथ थे। और सेमी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो, दूर हो, ऐ खूनी आदमी, ऐ खबीस, खुदावन ने साउल के घराने के सब खून को जिसके इवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है, और देख, तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जोरवाया के बेटे अभिषे ने
बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे, मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सिर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ए जरवेया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम, वो जो लानत कर रहा है और खुदावन ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया। और दाऊद ने अभिषे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है, शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे और समी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा, और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए और वहाँ उसने दम लिया। और अभी सलूम और सब इसराइली मर्द यरूशलेम में आए और अखीतफल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हवेसी अभी सलूम के पास आया, तो हवेसी ने अभी सलूम से कहा, बादशाह जीता रहे। और अभी सलूम ने हवेसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की, तू अपने दोस्त के साथ क्यों ना होगा। हवेसी ने अभी सलूम से कहा, नहीं बल्कि जिसको खुदावन ने और इस कौम ने और इसराइल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँगा और उसी के साथ रहूँगा, और फिर मैं किसकी खिदमत करूँ, क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूँ, जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की वैसे ही तेरे सामने रहूँगा। तब अभी सलूम ने अखीतफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखीतफल ने अभी सलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इसराइली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कवि हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अभी सलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अभी सलूम सब बनी इसराइल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया, और एक ही तफल की मशवरत जो इन दिनों होती वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अखीतफल की मशवरत दाऊद और अभी सलूम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। दूसरा सैमुएल 17वां बाब। और अखीतफल ने अभी सलूम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फक्त बादशाह को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए, यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अभी सलूम को और इसराइल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अभी सलूम ने कहा, अब अर्की हवेसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने।
जब हवेसी अबीसलूम के पास आया तो अबीसलूम ने उससे कहा कि अखी ताफल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हौसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखी ताफल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। मां सवाए इसके हौसी ने ये भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस पर रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झला रहे होंगे, और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छिपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अभी सलूम के पैरों के दरमियान तो खूनरेजी शुरू है, तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इसराइल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूँ कि दान से बेर सबा तक के सब इसराइली समुन्दर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहाँ वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे करेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे, मां सवाए इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इसराइली उस शहर के पास रस्सियां लेकर आएंगे और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहाँ नहीं मिलेगा। तब अबीसलूम और सब इसराइली कहने लगे कि ये मशवरत जो अर्की हवेसी ने दी है अखीतोफल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही से ठहरा दिया था कि अखीतोफल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलूम पर बला नाजल करे। तब हवेसी ने सदूक और अबियातर काहिनों से कहा कि अखीतोफल ने अबीसलूम को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी और मैंने ये सलाह दी, सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ऐसा ना हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और यूनतन और अखमीज एन राजल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अभी सलूम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए और बेरियोम में एक शख्स के घर गए जिसके सहन में एक कुआं था, सो वो उसमें उतर गए और उसकी औरत ने पर्दा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उस पर दला हुआ अनाज फैला दिया और कुछ मालूम नहीं होता था। और अभी सलूम के खादिम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अखी मेज और यूनतन कहाँ हैं? उस औरत ने उनसे कहा वो नाला के पार गए, और जब उन्होंने उनको ढूंढा और ना पाया तो यरूशलेम को लौट गए, और ऐसा हुआ कि जब ये चले गए तो वो कुएं से निकले और जाकर दाऊद बादशाह को खबर दी, और वो दाऊद से कहने लगे कि उठो और दरिया पार हो जाओ,
क्योंकि अखीतफल ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी सलाह दी है। तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यर्दन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा ना था जो यर्दन के पार ना हो गया हो। जब अखीतफल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया, तो उसने अपने गधे पर जैन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया, और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया, और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। तब दाऊद महनाइम में आया, और अभी सलूम और सब इसराइली मर्द जो उसके साथ थे यर्दन के पार हुए, और अभी सलूम ने युआब के बदले अमासा को लश्कर का सरदार किया, और अमासा एक इसराइली आदमी का बेटा था जिसका नाम इत्रा था। उसने नाहस की बेटी अबजेल से, जो युआब की माँ जरवया की बहन थी, सोबत की थी, और इसराइली और अभी सलूम जलाद के मुल्क में खैमाजन हुए। और जब दाऊद महनाइम में पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि नाहस का बेटा सूबी बनी अमून के रब्बा से, और अमील का बेटा मकीर लूद बार से, और बर्जली जलादी राजलेम से पलंग और चारपाइयां और बासन और मिट्टी के बर्तन और गेहूं और जौ और आटा और भुना हुआ अनाज और लोबिये की फलियां और मसूर और भुना हुआ चबीना और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बियाबान में भूखे और मांदे और प्यासे हैं। दूसरा सैमुएल 18वां बाब। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना, और हजारों के और सैकड़ों के सरदार मुकरर किए, और दाऊद ने लोगों की एक तिहाई युआब के मताहत और एक तिहाई युआब के भाई अबीशे बिन जरवेया के मताहत और एक तिहाई जाति अति के मताहत करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा, मैं खुद भी जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हम अगर भागें तो उनको कुछ हमारी परवाह ना होगी, और अगर हम में से आधे मारे जाएं तो भी उनको कुछ परवाह ना होगी, पर तू हम जैसे 10,000 के बराबर है, सो बेहतर ये है कि तू शहर में से हमारी मदद करने को तैयार रहे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुमको बेहतर मालूम होता है मैं वही करूंगा। सो बादशाह शहर के फाटक की एक तरफ खड़ा रहा, और सब लोग 100-100 और 1,000-1,000 करके निकलने लगे। और बादशाह ने युआब और अभिषे और अति को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अभी सलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अभी सलूम के हक में ताकीद की, तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकलकर मैदान में इसराइल के मुकाबला को गए, और लड़ाई इफ्राइम के बन में हुई, और वहाँ इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई, और उस दिन ऐसी बड़ी खूनरेजी हुई कि 20,000 आदमी खेत आए, इसलिए कि उस दिन सारी मुमलकत में जंग थी, और लोग इतने तलवार का लुकमा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए। और इत्तफाकन अबीसलूम दाऊद के खादिमों के सामने आ गया, और अबीसलूम अपने खच्चर पर सवार था
और वो खच्चर एक बड़े बलोत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया, सो उसका सिर बलूत में अटक गया और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और युआब को खबर दी कि मैंने अभी सलूम को बलूत के दरख्त में लटका हुआ देखा, और युआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मारकर वहीं जमीन पर गिरा दिया? क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और एक कमरबंद देता। उस शख्स ने युआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ ना उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अभिषेक और अति को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अभी सलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी कनारा कश हो जाता। तब युआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए और उनसे अभी सलूम के दिल को, जब वो हनूज बलूत के दरख्त के नीचे जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने जो युआब के सलाह बरदार थे अभी सलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। तब युआब ने नरसिंगा फूंका और लोगों को रोक लिया, और उन्होंने अभी सलूम को लेकर बन के उस बड़े घड़े में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। और अभी सलूम ने अपने जीते जी एक लाट लेकर खड़ी कराई थी जो शाही वादी में है, क्योंकि उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार रहे। सो उसने उस लाट को अपना नाम दिया, और वो आज तक अभी सलूम की यादगार कहलाती है। तब सदूक के बेटे अखिवस ने कहा कि मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावन ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। लेकिन युआब ने उससे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा, बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा, इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। तब युआब ने कूशी से कहा कि जाकर जो कुछ तूने देखा है सो बादशाह को बता दे। सो वो कूशी युआब को सिजदा करके दौड़ गया। तब सदूक के बेटे अखिमस ने फिर युआब से कहा, का कुछ ही हो, तू मुझे भी उस कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। युआब ने कहा, ए मेरे बेटे, तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? जिस हाल के इस खबर के इवज तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने कहा, का कुछ ही हो, मैं तो जाऊंगा। उसने कहा, दौड़ जा। तब अखिमस मैदान से होकर दौड़ गया और कूशी से आगे बढ़ गया, और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा था, और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसील पर गया, और क्या देखता है कि एक शख्स अकेला दौड़ा आता है। उस पहरे वाले ने पुकार कर बादशाह को खबर दी। बादशाह ने फरमाया, अगर वो अकेला है तो मुंह जुबानी खबर लाता होगा। और वो तेज आया और नजदीक पहुंचा, और पहरे वाले ने एक और आदमी को देखा कि दौड़ा आता है। तब उस पहरे वाले ने दरबान को पुकार कर कहा कि देख, एक शख्स और अकेला दौड़ा आता है। बादशाह ने कहा, वो भी खबर लाता होगा। और पहरे वाले ने कहा कि मुझे अगले का दौड़ना सदूक के बेटे अखिमस के दौड़ने की तरह मालूम होता है।
तब बादशाह ने कहा, वो भला आदमी है और अच्छी खबर लाता होगा। और अखिमज ने पुकार कर बादशाह से कहा, खैर है, और बादशाह के आगे जमीन पर सरनगु होकर सिजदा किया और कहा कि खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो, जिसने उन आदमियों को जिन्होंने मेरे मालिक बादशाह के खिलाफ हाथ उठाए थे काबू में कर दिया है। बादशाह ने पूछा, क्या वो जवान अभी सलूम सलामत है? अखिमज ने कहा कि जब युआब ने बादशाह के खादिम को, यानी मुझको जो तेरा खादिम हूँ, रवाना किया, तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या थी। तब बादशाह ने कहा, एक तरफ हो जा और यहीं खड़ा रह। सो वो एक तरफ होकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर वो कूशी आया और कूशी ने कहा, मेरे मालिक बादशाह के लिए खबर है, क्योंकि खुदावंद ने आज के दिन उन सब से जो तेरे खिलाफ उठे थे तेरा बदला लिया। तब बादशाह ने कूशी से पूछा, क्या वो जवान अभी सलूम सलामत है? कूशी ने जवाब दिया कि मेरे मालिक बादशाह के दुश्मन और जितने तुझे जरर पहुंचाने को तेरे खिलाफ उठें, वो उसी जवान की तरह हो जाएं। तब बादशाह बहुत बेचैन हो गया और उस कोठरी की तरफ जो फाटक के ऊपर थी रोता हुआ चला और चलते चलते यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अभिसलूम, मेरे बेटे अभिसलूम, काश मैं तेरे बदले मर जाता। ए अभिसलूम, मेरे बेटे। दूसरा सैमुएल 19वां बाब। और युआब को बताया गया कि देख, बादशाह अभिसलूम के लिए नोहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए उस दिन की फतह मातम से बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जैसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं, शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया और बादशाह बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अभिसलूम, हाय अभिसलूम, मेरे बेटे। तब युआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादिमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान और तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जाने और तेरी बीवियों की जाने और तेरी हरमों की जाने बचाई, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है, इसलिए कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादिम तेरे नजदीक बेकद्र हैं, क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूँ कि अगर अभी सलूम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। सो अब उठ, बाहर निकल और अपने खादिमों से तसल्ली बख्श बातें कर, क्योंकि मैं खुदावंद की कसम खाता हूँ कि अगर तू बाहर ना जाए तो आज रात को एक आदमी भी तेरे साथ नहीं रहेगा, और ये तेरे लिए उन सब आफतों से बदतर होगा जो तेरी नौजवानी से लेकर अब तक तुझ पर आई हैं। सो बादशाह उठकर फाटक में जा बैठा और सब लोगों को बताया गया कि देखो, बादशाह फाटक में बैठा है। तब सब लोग बादशाह के सामने आए और इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे, और इसराइल के कबीलों के सब लोगों में झगड़ा था, और वो कहते थे कि बादशाह ने हमारे दुश्मनों के हाथ से और फिलिस्तीनियों के हाथ से हमको बचाया, और अब वो अभिसलूम के सामने से मुल्क को छोड़कर भाग गया है, और अभिसलूम जिसे हमने मसा करके अपना हाकिम बनाया था लड़ाई में मर गया है।
सो तुम अब बादशाह को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? तब दाऊद बादशाह ने सदूक और अबियातर काहिनों को कहला भेजा कि यहूदा के बुजुर्गों से कहो कि तुम बादशाह को उसके महल में पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जिस हाल कि सारे इसराइल की बात उसे उसके महल में पहुंचाने के बारे में बादशाह तक पहुंची है। तुम तो मेरे भाई और मेरी हड्डी और गोश्त हो, फिर तुम बादशाह को वापस ले जाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो? और उमासा से कहना कि क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू युआव की जगह मेरे हजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। और उसने सब बनी यहूदा का दिल एक आदमी के दिल की तरह माइल कर लिया। चुनाचे उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि तू अपने सब खादिमों को साथ लेकर लौटा। सो बादशाह लौट कर यर्दन पार आया और सब बनी यहूदा जिजाल को गए कि बादशाह का इस्तकबाल करें और उसे यर्दन के पार ले आएं। और जीरा के बेटे बिन्यामीनी समी ने, जो बहरियोम का था, जल्दी की और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को आया और उसके साथ 1000 बिन्यामीनी जवान थे। और साउल के घराने का खादिम ज़ैबा अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया और वो बादशाह के सामने यर्दन के पार उतरे और एक किश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए और जो काम उसे मुनासिब मालूम हो उसे करे। और जीरा का बेटा समी बादशाह के सामने जैसे ही वो यर्दन पार हुआ औंधा होकर गिरा और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुना मंसूब ना करे। और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम से निकला, उस दिन जो कुछ तेरे खादिम ने बदमिजाजी से किया उसे ऐसा याद ना रख कि बादशाह उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया है। और देख, आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने में से पहले आया हूँ कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूँ। और जरविया के बेटे अबीशे ने जवाब दिया, क्या समी इस सबब से मारा ना जाए कि उसने खुदावंद के ममसू पर लानत की? दाऊद ने कहा, ऐ जरविया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज के दिन मेरे मुखालिफ हुए हो? क्या इसराइल में से कोई आदमी आज के दिन कत्ल किया जाए? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं आज के दिन इसराइल का बादशाह हूँ? और बादशाह ने समी से कहा, तू मारा नहीं जाएगा। और बादशाह ने उससे कसम खाई। फिर साउल का बेटा मिफिबोस्त बादशाह के इस्तकबाल को आया। उसने बादशाह के चले जाने के दिन से लेकर उसके सलामत घर आ जाने के दिन तक ना तो अपने पांव पर पट्टियां बांधी और ना अपनी दाढ़ी कतरवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। और ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम में बादशाह से मिलने आया तो बादशाह ने उससे कहा, ऐ मिफिबोस्त, तू मेरे साथ क्यों नहीं गया था? उसने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक बादशाह, मेरे नौकर ने मुझसे दगा की क्योंकि तेरे खादिम ने कहा था कि मैं अपने लिए गधे पर जैन कसवाऊंगा ताकि मैं सवार होकर बादशाह के साथ जाऊं, इसलिए कि तेरा खादिम लंगड़ा है। सो उसने मेरे मालिक बादशाह के हजूर तेरे खादिम पर बोहतान लगाया, पर मेरा मालिक बादशाह तो खुदा के फरिश्ता की मानिंद है। सो जो कुछ तुझे अच्छा मालूम हो सो कर, क्योंकि मेरे बाप का सारा घराना मेरे मालिक बादशाह के आगे मुर्दों की मानिंद था, तो भी तूने अपने खादिम को उन लोगों के बीच बिठाया
जो तेरे दस्तरखान पर खाते थे। बस क्या अब भी मेरा कोई हक है कि मैं बादशाह के आगे फिर फरियाद करूं? बादशाह ने उससे कहा, तू अपनी बातें क्यों बयान करता जाता है? मैं कहता हूं कि तू और ज़ेबा दोनों आपस में उस जमीन को बांट लो। और मेफ़ीबोस्त ने बादशाह से कहा, वो ही सब ले ले, इसलिए कि मेरा मालिक बादशाह अपने घर में फिर सलामत आ गया है। और बर्ज़ीली जल्लादी राजालीम से आया और बादशाह के साथ यर्दन पार गया, ताकि उसे यर्दन के पार पहुंचाए। और ये बज़रीली नहायत उम्र रसीदा आदमी यानी 80 बरस का था। उसने बादशाह को जब तक वो महनाइम में रहा रसद पहुंचाई थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी था। सो बादशाह ने बर्ज़ीली से कहा कि तू मेरे साथ पार चल और मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा। और बर्ज़ीली ने बादशाह को जवाब दिया कि मेरी जिंदगी के दिन ही कितने हैं जो मैं बादशाह के साथ यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 बरस का हूं, क्या मैं भले और बुरे में इम्तियाज कर सकता हूं? क्या तेरा बंदा जो कुछ खाता पीता है उसका मजा जान सकता है? क्या मैं गाने वालों और गाने वालियों की आवाज फिर सुन सकता हूं? बस तेरा बंदा अपने मालिक बादशाह पर क्यों भार हो? तेरा बंदा फक्त यर्दन के पार तक बादशाह के साथ जाना चाहता है। सो बादशाह मुझे ऐसा बड़ा अजर क्यों दे? अपने बंदा को लौट जाने दे, ताकि मैं अपने शहर में अपने बाप और माँ की कब्र के पास मरूं। पर देख, तेरा बंदा कुम्हाम हाजिर है, वो मेरे मालिक बादशाह के साथ पार जाए और जो कुछ तुझे भला मालूम दे उससे कर। तब बादशाह ने कहा, कुम्हाम मेरे साथ पार चलेगा और जो कुछ तुझे भला मालूम हो वो ही मैं उसके साथ करूंगा, और जो कुछ तू चाहेगा मैं तेरे लिए वही करूंगा। और सब लोग यर्दन के पार हो गए और बादशाह भी पार हुआ। फिर बादशाह ने बज़रीली को चूमा और उसे दुआ दी और वो अपनी जगह को लौट गया। सो बादशाह जिजाल को रवाना हुआ और किम्हाम उसके साथ चला। और यहूदा के सब लोग और इसराइल के लोगों में से भी आधे बादशाह को पार लाए। तब इसराइल के सब लोग बादशाह के पास आकर उससे कहने लगे कि हमारे भाई बनी यहूदा तुझे क्यों चोरी से ले आए? और बादशाह को और उसके घराने को और दाऊद के साथ जितने थे उनको यर्दन के पार से लाए। तब सब बनी यहूदा ने बनी इसराइल को जवाब दिया, इसलिए कि बादशाह का हमारे साथ नजदीक का रिश्ता है, सो तुम इस बात के सबब से नाराज क्यों हुए? क्या हमने बादशाह के दाम का कुछ खा लिया है या उसने हमको कुछ इनाम दिया है? फिर बनी इसराइल ने बनी यहूदा को जवाब दिया कि बादशाह में हमारे 10 हिस्से हैं और हमारा हक भी दाऊद पर तुमसे ज्यादा है। बस तुमने क्यों हमारी हकारत की कि बादशाह को लौटा लाने में पहले हमसे सलाह नहीं ली? और बनी यहूदा की बातें बनी इसराइल की बातों से ज्यादा सख्त थी। दूसरा सैमुएल 20वां बाब। और वहाँ एक शरीर बिन्यामीनी था और उसका नाम सबा बिन बकरी था, और उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और ना हमारी मेरास यस्सी के बेटे के साथ है। ए इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इसराइली दाऊद की पैरवी छोड़कर सबा बिन बकरी के पीछे हो लिए, लेकिन यहूदा के लोग
यर्दन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे, और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया, और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर, और तू भी यहाँ हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुअय्यना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकरर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सवा बिन बकरी तो हमको अभी सलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो तू अपने मालिक के खादिमों को लेकर उसका पीछा कर, ताना हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो युआब के आदमी और करेती और फलेती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए और यरूशलेम से निकले, ताकि सबा बिन बकरी का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जबौन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया, और युआब अपना जंगी लिबास पहने था और उसके ऊपर एक पटका था, जिससे एक तलवार म्यान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी, और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो युआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और युआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी कि उसको भूसा दे, और अमासा ने उस तलवार का जो युआब के हाथ में थी ख्याल ना किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी आंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी, और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। फिर युआब और उसका भाई अबीशे सवा बिन बकरी का पीछा करने चले, और युआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई युआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो युआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लोट रहा था, और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया, और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग युआब के पीछे सवा बिन बकरी का पीछा करने चले, और वो इसराइल के सब कबीलों में से होता हुआ एबल और तबेत माका और सब बेरियों तक पहुंचा, और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले, और उन्होंने आकर उसे बैते मक्का के एबल में घेर लिया, और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा, और सब लोगों ने जो युआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत शहर में से पुकार कर कहने लगी कि जरा युआब से कह दो कि यहाँ आए, ताकि मैं उससे कुछ कहूँ। सो वो उसके नजदीक आया। उस औरत ने उससे कहा, क्या तू युआब है? उसने कहा, हाँ। तब वो उससे कहने लगी, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा, मैं सुनता हूँ। तब वो कहने लगी कि कदीम जमाना में यूं कहा करते थे कि वो जरूर एबल में सलाह पूछेंगे, और इस तरह वो बात को खत्म करते थे, और मैं इसराइल में
उन लोगों में से हूँ जो सुलह पसंद और दयानतदार हैं। तू चाहता है कि एक शहर और माँ को इसराइलियों के दरमियान हलाक करे, सो तू क्यों खुदावंद की मिरास को निगलना चाहता है? योआब ने जवाब दिया, मुझसे हरगिज हरगिज ऐसा ना हो कि मैं निकल जाऊं या हलाक करूं। बात ये नहीं है, बल्कि इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क के एक शख्स ने, जिसका नाम सबा बिन बकरी है, बादशाह यानी दाऊद के खिलाफ हाथ उठाया है। सो फक्त उसी को मेरे हवाले कर दे तो मैं शहर से चला जाऊंगा। उस औरत ने योआब से कहा, देख उसका सिर दीवार पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब वो औरत अपनी दानाई से सब लोगों के पास गई, सो उन्होंने सबा बिन बकरी का सिर काट कर उसे बाहर योआब की तरफ फेंक दिया। तब उसने नरसिंगा फूंका और लोग शहर से अलग होकर अपने अपने डेरे को चले गए और योआब यरूशलेम को बादशाह के पास लौट आया। और योआब इसराइल के सारे लश्कर का सरदार था और बिनाया बिन यहूदद करीतियों और फलीतियों का सरदार था और अदराम खिराज का दरोगा था और अखिलोद का बेटा यफुसत मुअर्रख था और सिवा मुंशी था और सदूक और अबियातर काहिन थे और एरियारियरी भी दाऊद का एक काहिन था। दूसरा सैमुएल 21वां बाब। और दाऊद के अय्याम में पै दर पै 3 साल का काल पड़ा और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल और उसके खूनरेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबोनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबोनियों को बुलाकर उनसे बात की, ये जबोनी बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बचे हुए अमोरियों में से थे और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबोनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं किस चीज से कफारा दूं ताकि तुम खुदावंद की मिरास को दुआ दो? जबोनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मामला नहीं और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इसराइल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इसराइल की किसी मुमलकत में बाकी ना रहें, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाला कर दिए जाएं और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जिब्बा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मेफ्यूबोस्त बिन योनातन बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से, जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे योनातन के दरमियान हुई थी, बचा रखा। पर बादशाह ने अया की बेटी रिस्फा के दोनों बेटों अर्मोनी और मेफ्यूबोस्त को, जो साउल से हुए थे, और साउल की बेटी मेकल के 5 बेटों को, जो बजरेली माहौलाती के बेटे अद्रियल से हुए थे, लेकर उनको जबोनियों के हवाला किया और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हजूर लटका दिया। सो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अय्याम में यानी जौ की फसल के शुरू के दिनों में मारे गए।
तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक के आसमान से उन पर बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम अय्या की बेटी रिस्पा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को याबेस जल्लाद के लोगों से लिया, जो उनको बैतेशान के चौक में से चुरा लाए थे, जहां फिलिस्तियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जलबुआ में कत्ल किया टांग दिया था। सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहां से ले आया और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे, और उन्होंने साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को जिला में जो बिन्यामीन की सरजमीन में है उसी के बाप कैस की कब्र में दफन किया, और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और फिलिस्ती फिर इसराइलियों से लड़े, और दाऊद अपने खादिमों के साथ निकला और फिलिस्तियों से लड़ा, और दाऊद बहुत थक गया, और इश्बी बनोब ने जो देवजादों में से था और जिसका नेजा वजन में पीतल की 300 मिसकाल था और वो एक नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे, पर जरविया के बेटे अबीशे ने उसकी कुमक की और उस फिलिस्ती को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ताना हो कि तू इसराइल का चिराग बुझा दे। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ फिर जोब में लड़ाई हुई, तब उस साथी सबकी ने सैफ को जो देवजादों में से था कत्ल किया, और फिर फिलिस्तियों ने जोब में एक और लड़ाई हुई, तब अलहनान बिन लेरी और जहीम ने जो बैतलहम का था जाति जूलियत को कत्ल किया, जिसके नेजा की छड़ जुलाहे के शहतीर की तरह थी। फिर जाट में लड़ाई हुई और वहाँ एक बड़ा कादावर शख्स था, उसके दोनों हाथों और दोनों पाओ में 6-6 उंगलियां थी, जो सब की सब गिनती में 24 थी, और ये भी उस देव से पैदा हुआ था। जब इसने इसराइलियों की फसीहत की तो दाऊद के भाई समी के बेटे यूनतन ने उसे कत्ल किया। ये चारों उस देव से जात में पैदा हुए थे, और वो दाऊद के हाथ से और उसके खादिमों के हाथ से मारे गए। दूसरा सैमुएल 22वां बाब। जब खुदावन ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई दी, तो उसने खुदावन के हजूर इस मजमून का गीत सुनाया। वो कहने लगा, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है, खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है, मेरे निजात देने वाले तू ही मुझे जुल्म से बचाता है, मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा, क्योंकि मौत की मौजों ने मुझे घेरा, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया, पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा, मैं अपने खुदा के हजूर चिल्लाया, उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी।
और मेरी फरियाद उसके कान में पहुंची, तब जमीन हिल गई और कांप उठी और आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करोबी पर सवार होकर उड़ा और हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया और उसने अपने चौगिर्द तारीकी को और पानी के इज्तमा और आसमान के दिलदार बादलों को शामियाने बनाया। उस झलक से जो उसके आगे आगे थी, आग के कोयले सुलग गए। खुदावंद आसमान से गरजा और हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई। उसने तीर चलाकर उनको परागंदा किया और बिजली से उनको शिकस्त दी। तब खुदावंद की डांट से, उसके नथनों के दम के झोंके से समुन्दर की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरी अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त है। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुआफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीजगी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सारे फैसले मेरे सामने थे और मैं उसके आइन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपनी बदकारी से बाज रहा। इसलिए खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ती के मुआफिक, बल्कि मेरी उस पाकीजगी के मुताबिक जो उसकी नजर के सामने थी, बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरौ के साथ टेढ़ा। मुसीबत ज्यादा लोगों को तू बचाएगा, पर तेरी आंखें मगरूरों पर लगी हैं, ताकि तू उन्हें नीचा करे, क्योंकि ऐ खुदावंद तू मेरा चिराग है और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार थाम जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिफर है, वो उन सब की सिफर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा मेरा मजबूत किला है, वो अपनी राह में कामिल शख्स की राहनुमाई करता है, वो उसके पांव हिरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिफर भी बख्शी और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पांव नहीं फिसले। मैंने अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको हलाक किया और जब तक वो फना ना हो गए मैं वापस नहीं आया। मैंने उनको फना कर दिया और ऐसा छेद डाला है कि वो उठ नहीं सकते, बल्कि वो तो मेरे पांव के नीचे गिरे पड़े हैं, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुवत से कमरबस्ता किया और मेरे मुखालिफों को मेरे सामने जेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त
मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने इंतजार किया पर कोई न था जो बचाए, बल्कि खुदावंद का भी इंतजार किया पर उसने उनको जवाब न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर जमीन की गर्द की मानिंद कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह रौंद रौंद कर चारों तरफ फैला दिया। तूने मुझे मेरी कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे कौमों का सरदार होने के लिए रख छोड़ा है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं वो मेरी मुती होगी, परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे, वो मेरा नाम सुनते ही मेरी फरमा बरदारी करेंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, और खुदा मेरी निजात की चट्टान मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे ताबे कर देता है और मुझे मेरे दुश्मनों के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है, तू मुझे तंदखो आदमी से रिहाई देता है। इसलिए ऐ खुदावंद, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदा सराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। दूसरा सैमुएल 23वां बाब। दाऊद की आखिरी बातें ये हैं। दाऊद बिन यस्सी कहता है, यानी ये उस शख्स का कलाम है जो सरफराज किया गया और याकूब के खुदा का ममसू और इसराइल का शरीन नगमा साज है। खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा, एक है जो सदाकत से लोगों पर हुकूमत करता है, जो खुदा के खौफ के साथ हुकूमत करता है। वो सुबह की रोशनी की मानिंद होगा जब सूरज निकलता है, ऐसी सुबह जिसमें बादल ना हो, जब नर्म नर्म घास जमीन में से बारिश के बाद की साफ चमक के बायस निकलती है। मेरा घर तो सचमुच खुदा के सामने ऐसा है भी नहीं, तो भी उसने मेरे साथ एक दायमी अहद जिसकी सब बातें मुय्यन और पायदार हैं बांधा है, क्योंकि यही मेरी सारी निजात और सारी मुराद है। गो वो उसको भड़ाता नहीं, पर नाराज लोग सब के सब कांटों की मानिंद ठहरेंगे जो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से पकड़े नहीं जा सकते, बल्कि जो आदमी उनको छुए जरूर है कि वो लोहे और नेजा की छेड़ से मुसल्ला हो। सो वो अपनी ही जगह में आग से बिल्कुल भस्म कर दिए जाएंगे। और दाऊद के बहादुरों के नाम ये हैं, यानी तहकमोनी योशेब बशीर जो सिप्पा सालारों का सरदार था, वो ही अजेनी अदोनी था जिससे 801 ही वक्त में मकतूल हुए। उसके बाद एक अखोही के बेटे दोदी का बेटा अलजीज था। ये उन तीनों सूरमाओं में से एक था जो दाऊद के साथ उस वक्त थे जब उन्होंने उन फलिस्तियों को जो लड़ाई के लिए जमा हुए थे ललकारा, हालांकि सब बनी इसराइल चले गए थे। और उसने उठकर फलिस्तियों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया, और खुदावंद ने उस दिन बड़ी फतह कराई और लोग फिरकर फक्त लूटने के लिए उसके पीछे हो लिए। बाद इसके हरारी अजय का बेटा सम्मा था, और फलिस्तियों ने उस कित्ताई जमीन के पास
जो मसूर के पेड़ों से भरा था, जमा होकर दल बांध लिया था और लोग फिलिस्तीनियों के आगे से भाग गए थे। लेकिन उसने उस कित्ता के बीच में खड़े होकर उसको बचाया और फिलिस्तीनियों को कत्ल किया और खुदावन ने बड़ी फतह कराई। और उन 30 सरदारों में से 3 सरदार निकले और फसल काटने के मौसम में दाऊद के पास उदलाम के मुगारा में आए और फिलिस्तीनियों की फौज रफाइम की वादी में खैमाजन थी और दाऊद उस वक्त घड़ी में था और फिलिस्तीनियों के पहरे की चौकी बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरसते हुए कहा, ऐ काश कोई मुझे बैतलहम के उस कुएं का पानी पीने को देता जो फाटक के पास है। और उन तीनों बहादुरों ने फिलिस्तीनियों के लश्कर में से जाकर बैतलहम के कुएं से जो फाटक के बराबर है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए, लेकिन उसने ना चाहा कि पिए, बल्कि उसे खुदावंद के हजूर उंडेल दिया और कहने लगा, ऐ खुदावंद मुझसे ये हरगिज ना हो कि मैं ऐसा करूं, क्या मैं उन लोगों का खून पीऊं जिन्होंने अपनी जान जोखों में डाली। इसीलिए उसने ना चाहा कि उसे पिए। उन तीनों बहादुरों ने ऐसे ऐसे काम किए और जरवया के बेटे युआब का भाई अबीशे उन तीनों में अफसल था। उसने 300 पर अपना भाला चलाकर उनको कत्ल किया और तीनों में नामी था। क्या वो उन तीनों में मुअज्जज ना था? इसीलिए वो उनका सरदार हुआ, तो भी वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और यहदुआ का बेटा बनाया कब्सील के एक सूरमा का बेटा था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। इसने मुआब के अरियल के दोनों बेटों को कत्ल किया और जाकर बर्फ के मौसम में एक गार के बीच एक शेर बब्बर को मारा और उसने एक जसीम मिस्री को कत्ल किया। उस मिस्री के हाथ में भाला था, पर ये लाठी ही लिए हुए उस पर लपका और मिस्री के हाथ से भाला छीन लिया और उसी के भाले से उसे मारा। पस यदुआ के बेटे बनाया ने ऐसे ऐसे काम किए और तीनों बहादुरों में नामी था। वो 29 से ज्यादा मुअज्जज था, पर वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और दाऊद ने उसे अपने मुहाफ़िज़ सिपाहियों पर मुकरर किया। और 300 में युआब का भाई इसाहिल और अलहनान बैतलहम के दादू का बेटा हरूदी सम्मा, हरूदी अलका, फलेती खलिस, एरा बिन अकीस तकवी, अनूती अबियजर, होसाती मुबन्नी, अखवी जुल्मोन, नुतफाती महरी, नुतफाती बाना का बेटा हिलेब, अती बिन रेबी, बनी बिन्यामीन के जुब्बे का, फुरातुनी बनाया और जैस के नालों का हदी, इरबाती अभी अलबून, बरहोमी अजमावत, सलबोनी अलेबा, बनी यासिन यूनतन, हिरारी सम्मा, अखियाम बिन सरार हरारी, अलिफात बिन हसबी मुकाती का बेटा अलियाम बिन अखीतफल जलोनी, कर्मली हसोर, अरबी फारी, जोबा के नातिन का बेटा एजाल जदी बानी, अमोनी जलक, बरूती नाहरी, जरविया के बेटे युआब के सिला बरदार, अत्री अरा, अत्री जरेब और अति ओरिया, ये सब 37 थे। दूसरा सैमुएल 24वां बाब। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर बढ़का और उसने दाऊद के दिल को
उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को, जो उसके साथ था, हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बेरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनवा, ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब योआब ने बादशाह से कहा कि खुदावन तेरा खुदा उन लोगों को, वो कितने ही हों, 100 गुना बढ़ाए, और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें। पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है? तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही, और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले, और वो यर्दन पार उतरे और उस शहर की दाहिनी तरफ अरोएर में खैमा जन हुए, जो जर्द की वादी में याजीर की जानिब है। फिर वो जलाद और तहतीम हदसी के इलाका में गए और दान यन को गए और घूमकर सैदा तक पहुँचे, और वहाँ से सौर के किला को और हवियों और केनानियों के सब शहरों को गए, और यहूदा के जनूब में बेरसबा तक निकल गए। चुनाचे सारी मुमलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद वो यरूशलेम को लौटे, और योआब ने मर्दम शुमारी की तादाद बादशाह को दी, तो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीर जन थे, और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ, और दाऊद ने खुदावन से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावन का कलाम जाद पर, जो दाऊद का गैबीन था, नाजिल हुआ, और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावन यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूँ, तू उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर नाजिल करूँ। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रेख दे, या तेरी मुमलकत में 3 दिन तक मरी हो? सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूँ, हम खुदावन के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावन ने इसराइल पर वबा भेजी जो उस सुबह से लेकर वक्ते मुय्यना तक रही, और दान से बेरसबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावन उस वबा से मलूल हुआ, और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावन का फरिश्ता यबूसी अरूना के खलियान के पास खड़ा था, और दाऊद ने जब उस फरिश्ता को जो लोगों को मार रहा था देखा, तो खुदावन से कहने लगा, देख, गुनाह तो मैंने किया और खता मुझ ही से हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरोना के खलियान में खुदावन के लिए एक मजबा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक जैसा खुदावन का हुक्म था गया, और अरोना ने
निगाह की और बादशाह और उसके खादिमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरोना निकला और जमीन पर सरनगुं होकर बादशाह के आगे सिजदा किया और अरोना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावन के लिए एक मजबा बनाने आया हूँ, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख, सूक्तनी कुर्बानी के लिए बैल है और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। ये सब कुछ ऐ बादशाह अरोना बादशाह की नजर करता है। और अरोना ने बादशाह से कहा कि खुदावन तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरोना से कहा, नहीं बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे और दाऊद ने वहाँ खुदावंद के लिए मजबा बनाया और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई और खुदावन ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और वबा इसराइल में से जाती रही।